हो। 100% साहब, अपना अपना धंधा है सरकार। तो फाइनली दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ खलनायक 2 मूवी के बारे में। दोस्तों सुनने को मिल रहा है कि बहुत ही जल्द हमें खलनायक 2 मूवी सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि दोस्तों अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने कहा है कि बहुत ही जल्द खलनायक 2 मूवी के ऊपर काम शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि अभी इस मूवी की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। भी दोस्तों बताया जा रहा है ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है और ये मूवी पहले वाले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है। और दोस्तों सुनने को मिल रहा है इस फिल्म को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। और दोस्तों बताया जा रहा है मीडिया के अनुसार ये खबरें निकल कर आ रही है और अनुमान लगाया जा रहा है की इस बार फिल्म में जैकी श्रॉफ की जगह उनके बेटे टाइगर श्रॉफ नजर आ सकते हैं और विलन के रोल में हमें संजय दत्त नजर आ सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से खलनायक 2 मूवी कई बड़ी से बड़ी मूवियों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भाई दोस्तों बात करें इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, तो दोस्तों मेकर्स का कहना है कि सबसे पहले इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम खत्म किया जाएगा, फिर उसके बाद मूवी की शूटिंग कम्प्लीट की जाएगी, फिर उसके बाद ये मूवी सभी दर्शकों को देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि दोस्तों मेकर्स ये भी कह रहे हैं कि अब तक इस फिल्म के ऊपर काम शुरू कर दिया जाता मगर अभी एक वजह से इस फिल्म के ऊपर काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोस्तों ये वजह ये है कि संजय दत्त अभी इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भर रहे हैं। जब संजय दत्त खलनायक 2 मूवी के लिए राजी हो जाएंगे तो उसी दिन से इस मूवी पर काम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आप सब लोगों का क्या कहना है कि संजय दत्त खलनायक 2 मूवी के लिए राजी होंगे या नहीं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।